क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। किसानों के कानून को और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। क्या कहा? कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री? हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी? 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे एक साल से, जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है। माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी? कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया? खालिस्तानी है, ISI की है, पैसा आता है, बकवास, सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है मेरे खिलाफ। ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसान किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया, और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी, क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए, और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ, हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला।